एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरी चैनल एंड वेलकम बैक टू मेरी अनदर वीडियो। सो आज मैं आप लोगों के साथ एक शैम्पू का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, जिसको मैं 3 से 4 महीना प्लस हो गया है मैं इसे कंटिन्यू यूज कर रही हूँ। बट मुझे नहीं पता क्यों इस शैम्पू का रिव्यू देने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा था। सोच रही थी नेक्स्ट वीक में करूंगी, पोस्टपोन करते 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 मेरा ये 2 बॉटल इस शैम्पू का खत्म हो चुका है। सो फाइनली थोड़ा सा शैम्पू बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि नहीं, आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर अब तो कर ही देना चाहिए, क्योंकि मैं इसे काफी समय से यूज कर रही हूँ। सो जो शैम्पू का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, उसका नाम है रस्टिक आर्ट नेचुरल एंड ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल रोज जिरेनियम शैम्पू, और ये फॉर ड्राई टू नॉर्मल हेयर टाइप के लिए है। अगर आपकी स्कैल्प ड्राई टू नॉर्मल है, मेरी तो नॉर्मल स्कैल्प है, मतलब ड्राई टू नॉर्मल के बीच में आता है, ऑयली स्कैल्प वाले के लिए ये सही नहीं है, ड्राई टू नॉर्मल स्कैल्प के लिए है। इसका और भी वेरिएंट है, आप चाहें तो आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे लोगों को ये समझना जरूरी है कि शैम्पू का काम एज ए हेयर क्लेंजर अपने स्कैल्प के ऊपर होता है। आप शैम्पू को प्लीज एज ए हेयर क्लेंजर देखिए। आप ये मत सोचिए कि शैम्पू आप यूज कर रहे हो तो आपके हेयर ग्रोथ हो जाएगा। हेयर फॉल स्टॉप हो सकता है इंग्रेडिएंट्स के बेस की वजह से, बट केमिकल ना हो, आपके हेयर को ड्राई ना करे, साथ ही साथ वो आपके हेयर को स्कैल्प को अच्छे से क्लीन करे। रस्टिक आर्ट का शैम्पू मैंने इन्हीं के वेबसाइट से परचेज किया है। आप चाहो तो फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से इजिली अवेलेबल है, आप वहां से भी परचेज कर सकते हो। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, जो जो जहां जहां का मेरे को लिंक मिलेगा। चलिए इसका पैकेजिंग आपको दिखाती हूँ, कैसे ये आपको रिसीव होगा। चलिए मैं आपको इसका पैकेजिंग दिखाती हूँ। तो ये आपको पंप बॉटल में आपको ये रिसीव होगा। देखिए इन्होंने ओपन स्टॉप करने का यहाँ दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट आपका गिरेगा नहीं। और इन्होंने लेबल पिंक कलर का लगाया हुआ है, जिसमें इन्होंने ब्रीफिंग की हुई है, डिस्क्रिप्शन, हाउ टू यूज़ वगैरह, और नाम वगैरह, प्राइसिंग वगैरह इन्होंने लिखा हुआ है। और देखिए रस्टिक आर्ट है इस कंपनी का नाम, रस्टिक आर्ट नेचुरल एंड ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल है ये रोज जिरेनियम शैम्पू फॉर ड्राई टू नॉर्मल हेयर टाइप के लिए है। अगर आपके बाल ड्राई और नॉर्मल है तो ये आपके लिए है। साथ ही साथ कलर सेफ है, फ्री ऑफ पैराबिन, सल्फेट, सिलिकॉन इसमें नहीं है। साथ ही साथ ये नेचुरल एंड ऑर्गेनिक है, क्रुएल्टी फ्री है एंड वेगन है ये। साथ ही साथ इसको आप इनकी वेबसाइट से www.rusticart.in से आप इसे परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट इसकी प्राइस जो है वो है 400 रुपये। क्वांटिटी आपको 210 ग्राम की मिलेगी, अच्छी खासी क्वांटिटी है। 24 महीने की आपको ये सेल्फ लाइफ मिल रही है। और ये जो शैम्पू है, मैं काफ़ी समय से सोच रही थी इसका रिव्यू दूँ, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था और बॉटल मेरा 2 फिनिश हो गया। फिर मैंने फाइनली सोचा कि इसका रिव्यू तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। काफ़ी समय से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट बताते हैं आपको हाउ टू यूज़, इसे यूज़ कैसे करना है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, टेक ए कॉइन साइज डैप, क्वांटिटी आपको लेना, लेदर काफ़ी अच्छे से करेगा, अप्लाई जेंटली अप्लाई करना, मसाज करना स्कैल्प के ऊपर, साथ ही साथ अपने हेयर लेंथ पर अप्लाई करना, उसके बाद रिंस ऑफ कर देना है। सो झाग काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है, मैं आपको आगे पूरा दिखाऊंगी आपको, तो वीडियो को आप प्लीज़ पूरा देखें। शैम्पू का जो मेन इंग्रेडिएंट है, सबसे पहले है रोज, जो कि इन्हेंस करेगा हेयर टेक्सचर को, इम्प्रूव करेगा आपके हेयर टेक्सचर को, और मेरे भी हेयर टेक्सचर को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है ये। नेक्स्ट इसमें जिरेनियम है, जो कि रिजुविनेट करेगा आपके स्कैल्प को, साथ ही साथ इसमें बिटेन है, जो शाइन ऐड करेगा आपके बालों को, साथ ही साथ स्टैटिक चार्ज रिड्यूस करेगा। ग्लिसरीन है, जो कि आपके हेयर को मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। इसमें विटामिन B3 है, जो कि आपके स्कैल्प को, आपके हेयर को हेल्दी रखेगा। और इसमें प्लांट बेस्ड सर्फेक्टेंट है, जो कि आपके स्कैल्प को, आपके हेयर को जेंटली क्लीन करेगा, और साथ ही साथ एकदम सॉफ्ट लेदर बनेगा। इसमें झाग भी बनता है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डलने के बावजूद इसमें झाग बनता है। मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि इस शैम्पू को आप जब डाइल्यूट करते हैं तो कितना झाग बनता है, इजिली आपके हेयर को क्लीन करेगा। सिनेमाइड डला हुआ, जो कि रिड्यूस करेगा आपके हेयर फॉल को, रिड्यूस करेगा ब्रेकेज को। सिट्रिक एसिड है, जो कि आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग करके रखेगा, मजबूत करके रखेगा आपके बाल। सो इस शैम्पू में इंग्रेडिएंट्स तो काफी अच्छे अच्छे डले हैं, साथ ही साथ इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं डला हुआ है। एक्सचर वगैरह कैसे है वो आपको दिखाती हूँ, झाग कैसे बनता है वो आपको दिखाती हूँ। शैम्पू इतनी कम क्वांटिटी बची हुई है, और एक बार इससे मेरा हेयर वॉश हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑयलिंग तो की नहीं है, तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो पानी में इसे अच्छे से डाइल्यूट कर लेती हूँ। मैं हमेशा शैम्पू ना पानी में डाइल्यूट करके ही करती हूँ। इसका कलर देखिए, हनी जैसा रहता है, सेम उस कलर का, कंसिस्टेंसी लाइट है, टेक्सचर इसका लाइट है, रनी कंसिस्टेंसी है। तो अच्छे से इसे मैं पानी में डाइल्यूट कर लूँगी। हमेशा मैं शैम्पू डाइल्यूट करके ही करती हूँ, हमेशा आपको करना चाहिए डाइल्यूट करके। सो अपने शैम्पू के बाजू में ना ऐसा कंटेनर या कप आप हमेशा रखें, जिससे आपको ध्यान है कि जब भी आप हेयर वॉश करेंगे तो आपको ये
कप लेके जाना है। सो देखिए इतना झाग बन रहा है जबकि इसमें इतने अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डलने के बावजूद झाग बना रहा है। साथ ही साथ ये आपके हेयर को स्कैल्प को अच्छे से ये क्लीन करेगा और इतने कम क्वांटिटी में इतना झाग बनाया है जो कि आपके बालों को अच्छे से क्लीन कर देगा। तो चलिए इसे अप्लाई करके मैं आपको बताती हूँ। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बालों को गीला करना है। बाल जब अच्छे से वेट हो जाए देन आपको शैम्पू अप्लाई करना है अपने स्कैल्प के ऊपर। फिर मसाज करते करते जो उसका जो लेदर रहेगा ना वो लेंथ के ऊपर चल जाएगा तो ऑटोमेटिकली साफ हो जाएगा, वो क्लीन हो जाएगा। बट अगर मैं हेयर ऑयलिंग की रहती, मैं तेल लगाई रहती तो इतनी कम क्वांटिटी में मेरा हेयर वॉश नहीं होता, मुझे इससे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए रहता है जब मैं हेयर ऑयलिंग की रहती तो। बट ये हेयर जो शैम्पू है ना रस्टी काट का, ये काफ़ी अच्छा शैम्पू, ये अच्छे से क्लीन कर देता है। चाहे आप कितना भी तेल लगाओ, नेक्स्ट मॉर्निंग आप वॉश करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी लगेगा जब आप ऑयलिंग किए हुए हो तो अच्छे से आपके हेयर को क्लीन कर देगा। तो देखिए मैंने यहाँ शैम्पू कर लिया अच्छे से और टॉवल से मैं अच्छे से अपने हेयर को बांध लूंगी। अगर आप चाहें तो कंडीशनर भी अप्लाई कर सकते हो, मैं एकदम रेयर अप्लाई करती हूँ कंडीशनर। सो मैं अच्छे से टॉवल से अपने बालों को बांध लूंगी और सूखने तक का वेट करूंगी। सो अब मैं आपको बताऊंगी अपना रिजल्ट कि मुझे इतने समय से यूज करते क्या क्या बेनिफिट मिले। देखिए सबसे पहले तो आपके बालों में ये शाइन ऐड करेगा, फर्स्ट एप्लीकेशन से ही आपको ये दिख जाएगा। दूसरा जो आपके हेयर टेक्सचर को काफी ज्यादा इम्प्रूव करेगा, आप खुद देखेंगे आपकी हेयर टेक्सचर काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गया है और हेयर फॉल स्टॉप करेगा। हेयर ग्रोथ के बारे में नहीं बोलूंगी मैं क्योंकि शैम्पू हेयर ग्रोथ नहीं करता है, इसमें जो इंग्रीडियंट्स है वो हेयर ग्रोथ नहीं करने का ऐसा क्लेम ऐसे इन्होंने नहीं किया हुआ है। हाँ हेयर फॉल ये स्टॉप करेगा। अगर आप एक ऐसा शैम्पू देख रहे हो जिसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल ना हो, साथ ही साथ आपकी हेयर टाइप ड्राई टू नॉर्मल है, तो आपको रस्टिक आर्ट का रोज रनिंग शैम्पू जरूर ट्राई करना चाहिए। ताकि मेरे हेयर टाइप ड्राई टू नॉर्मल है तो जब भी शैम्पू करने के बाद कभी कभी ऐसा होता है जब मैं ऑयलिंग नहीं करती हूँ तो मेरे हेयर काफी ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो ये शैम्पू ड्राई और फ्रिजनेस को काफी ज्यादा रिड्यूस करता है, कम करता है। ये है ही ड्राई टू नॉर्मल स्कैल्प टाइप के लिए है, साथ ही इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। अगर आपका स्कैल्प टाइप काफी ज्यादा ड्राई है तो आपको क्या करना है, ये शैम्पू अप्लाई करने के बाद आपको कंडीशनर अपने लेंथ के ऊपर अप्लाई करके 3-4 मिनट तक आपको रहने देना, देन आप रिंस कर ले, वॉश कर ले। कंडीशनर आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, दिल केमिकल्स वगैरह ना हो। लेंथ में आप अपने कंडीशनर अप्लाई कर ले, 4-5 मिनट तक रहने दे, देन वॉश कर ले। अक्सर कंडीशनर के केस में क्या होता है कि हम कंडीशनर तो अप्लाई कर ले फिर तुरंत हम पानी डाल देते हैं अपने बालों को, तो कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, हमारा कंडीशनर भी वेस्ट चला जाता है। तो एटलीस्ट 3-4 मिनट तो कंडीशनर को आपको अपने बालों में रहने देना है। अगर आपकी फ्रीजी और ड्राई हेयर है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये शैम्पू के साथ जरूर आप लोगों को कंडीशनर भी यूज करना चाहिए। और अगर बात करूं मैं अपनी, तो हाँ मैं कंडीशनर यूज करती हूँ, रेगुलर नहीं करती हूँ। जिस दिन मैंने शैम्पू नहीं किया है और ऐसा मुझे लगेगा कि हाँ मुझे कंडीशनर यूज करना है तब मैं यूज करती हूँ, बट आज मैंने यूज नहीं किया है। तो मैं कौन सा कंडीशनर यूज कर रही हूँ, मेरा मॉम्सको का मैं कंडीशनर यूज कर रही हूँ, इसका भी रिव्यू मैंने आप लोग साथ शेयर किया है। शैम्पू तो मॉम्सको का मेरा फिनिश हो चुका है, कंडीशनर ज्यादा क्वांटिटी में रहता, कम भी यूज होता है, मैं महीने महीने में 2-3 बार ही लगाती हूँ उसे, तो काफ़ी क्वांटिटी बचा हुआ है, तो ये कंडीशनर को मैं फिनिश कर रही हूँ जल्दी। ये नहीं है कि आपको यही वाला कंडीशनर यूज करना है, आप कोई सा भी अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, बट उसमें क्योंकि शैम्पू आप ऑर्गेनिक यूज कर रहे हो, नेचुरल यूज कर रहे हो, तो कंडीशनर भी नेचुरल एंड ऑर्गेनिक इन्ग्रीडियंट्स वाला ही यूज करें। सो आई होप सो वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, इस वीडियो से आपको जानकारी थोड़ी बहुत भी अगर मिली होगी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसको जिसको नीड है इस वीडियो की। सो मिलती हूँ मैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय बाय।